Hi, welcome or welcome back to the It Homemaker. I am Kanika Rana Sharma and I would be really glad if you'll take a moment and subscribe to my YouTube channel. And also do not forget to hit the bell icon so that whenever I post you get to see it first. और उन सबको एक बिग 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 थैंक यू जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें शेयर करते हैं लाइक करते हैं कमेंट करते हैं थैंक यू सो मच. बाय द टाइटल बाय नाउ आपको आइडिया लग गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में होना है किस ब्रांड के प्रोडक्ट्स के बारे में होना है एंड व्हाट ऑल इज गोइंग टू बी देयर. बट मैंने सोचा है कि मैं फिर भी अपना कर्तव्य निभाते हुए आपको बता दूं दैट दिस इज गोइंग टू बी अबाउट प्लम गुडनेस. प्लम गुडनेस के प्रोडक्ट्स मैं काफ़ी पहले से यूज़ करती आ रही हूँ क्योंकि आई रिमेम्बर जैसे कि मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियोज़ में कि ये इंडियाज फर्स्ट वीगन ब्रांड हैं और इनके कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि जो ग्रीन टी रेंज था वो मुझे काफ़ी पसंद आया था लॉन्ग बैक मैंने यूज़ करा था और उसके बाद से ऑन एंड ऑफ मैं प्लम के प्रोडक्ट्स यूज़ करती रहती हूँ अपनी एवरीडे लाइफ में. तो रिसेंटली प्लम का 8th बर्थडे था और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स अपने पैसों से मंगवाए थे और कुछ प्रोडक्ट्स मुझे गिफ्ट किए गए थे. तो मैं जो प्रोडक्ट्स मैंने खुद खरीदे हैं उनके बारे में भी बताऊंगी, जो प्रोडक्ट्स मुझे गिफ्ट हुए हैं मैं उनके बारे में भी बताऊंगी और मैं अपना एक बहुत ऑनेस्ट रिव्यू और फीडबैक शेयर करूंगी अबाउट दिस ब्रांड. एंड ऑल्सो डिस्क्लेमर, इफ़ यू परचेज एनी ऑफ द प्लम प्रोडक्ट्स डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड दैट इज़ कनिका आर और मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे डाल दूंगी. तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. ओके सो स्टार्टिंग ऑफ दिस इज एवरीथिंग आई हैव फ्रॉम प्लम गुडनेस. लेट्स जस्ट क्विकली बिगिन विद देम. जो पहला प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो एक्चुअली में आपका नाइट टाइम का फर्स्ट स्टेप होना चाहिए. और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैंने वहाँ पे रील शेयर करा था अबाउट माई नाइट टाइम क्लेंजिंग रूटीन. तो दैट इज़ द प्लम गुडनेस क्लेंजिंग बाम. दिस इज द इल्यूमिनस क्लेंजिंग बाम एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट. आप देख सकते हो कि मैं इसको कितना यूज़ करती हूँ एंड दिस इज़ माई रीपर्चेज. एंड ये ऐसे टब में आता है विद दिस स्पैचुला टू स्कूप आउट द प्रोडक्ट एंड आई जस्ट लव द फ्रेग्रेंस. एंड यू वोंट बिलीव ये सारा मेकअप इतना ईजिली मेल्ट कर देता है. मतलब इवन इफ़ यू हैव वाटर प्रूफ मस्कारा ये वो भी हटा देता है एंड इट इज़ अ वेरी गुड क्लीन प्रोडक्ट. तो ये मेरा रीपर्चेज है एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट. सो आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट. द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू शेयर इज माई स्टेप टू ऑफ माई क्लेंजिंग रूटीन. ये प्रोडक्ट है प्लम सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश. दिस इज़ अ फोमिंग फेस वॉश. ये मुझे बहुत पसंद है. अगर आपने मेरा स्किन केयर वाला वीडियो देखा है ऑफ माई मॉर्निंग रूटीन तो उसमें मैंने शेयर कराया दैट हाउ मच आई लव दिस प्रोडक्ट. ये मुझे एक्चुअली गिफ्ट में मिला था बट माई हस्बैंड आस्क्ड मी टू बाय दिस वेन एवर इट इज ओवर. ही लव्स दिस. दिस अनक्लॉग्स द पोर. इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं. ये जेंटली एक्सफोलिएट भी करता है क्योंकि इसके अंदर AHA है. ये डेफिनेटली आया मुझे गिफ्ट में था बट मैं इसको रीपर्चेज करूंगी क्योंकि अक्षत लव्स दिस. जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मेरा रीपर्चेज है. मैं ऑलरेडी एक टब खाली कर चुकी हूँ और मैंने इसको दोनों बार खुद के पैसों से खरीदा है. दिस इज देयर प्लम बॉडी स्क्रब. जब मेरे पास एक्चुअली गिफ्ट में कुछ आइटम्स आए थे आई वॉज रियली होपिंग उसको खोलते हो कि प्लीज़ ये बॉडी स्क्रब आया हो. आई कैन नॉट बिगेन टू टेल यू कि ये कितना अमेजिंग है. इसका फ्रेग्रेंस इतना अमेजिंग है. दिस इज़ देयर वैनिला वाइब्स बॉडी स्क्रब. आप देख सकते हो इसका टेक्स्चर इतना प्यारा है. लेट मी शो यू. मतलब ये ना इसके अंदर कुछ इतने प्यारे इंग्रेडिएंट्स हैं. ये ऐसा है जब आप इसको अपनी स्किन पे मसाज करते हो यू कैन एक्चुअली फील योर स्किन इज़ गेटिंग एक्सफोलिएटेड. और इसका फ्रेग्रेंस बहुत प्यारा है और ये बहुत नरिशिंग है. अगर आप इसको इसके बाद पानी के साथ धोते हो ना आपका स्किन इतना सॉफ्ट फील करता है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट फील करता है एंड यू एक्चुअली स्मेल लाइक अ केक आफ्टर दिस. बहुत 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 प्यारा फ्रेग्रेंस है. बहुत बहुत प्यारा प्रोडक्ट है. बहुत नरिशिंग है. ये मेरा सेकेंड रीपर्चेज है. ये एक प्लास्टिक टब में आता है बट ये बहुत स्टर्डी है. तो
ऐसा नहीं होगा कि शार में ये कुछ गिर जाएगा या कुछ भी, बहुत स्टर्डी पैकेजिंग है एंड एब्सोल्युटली लव. और ये जब दोबारा ख़त्म होगा आई एम श्योर मैं इसको तीसरी बार फिर से खरीदूंगी. सो आई हाईली 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 रिकमेंड दिस जो प्रोडक्ट. नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी मैंने खुद परचेज करा है. जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं ना, मुझे नहा के मॉइस्चराइजर लगाने में बहुत आलस आता है, तो आई स्टार्टेड यूजिंग कोकोनट ऑयल ऑन माई स्किन. एंड आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर सम बॉडी ऑयल्स जो एकदम पोस्ट शार में, शार के एकदम बाद अंदर वॉशरूम में ही यूज़ कर सकूँ, जो कि बिल्कुल स्टिकी ना हो और अच्छे हों, हाइड्रेटिंग हो. सो आई केम अक्रॉस दिस बॉडी ऑयल. दिस इज़ बाय प्लम, दिस इज़ देयर वैनिला वाइब्स बॉडी ऑयल. तो जैसे ही मैंने ये देखा ना, आई कुड नॉट रिजिस्ट, मैंने ये ख़रीद लिया. क्योंकि मैं ऑलरेडी वो स्क्रब यूज़ कर चुकी थी, तो आई हैड एन आइडिया कि ये वाला रेंज अच्छा है. एंड आई बट आई डेंट हैव मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इट, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इसमें फ्रेग्रेंस अच्छा होगा. बट टू माई सरप्राइज ये अभी कुछ ही टाइम पहले आया है और मैं इसको 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ. इनफैक्ट मैंने आज भी इसे यूज़ करा है, मैंने कोई मॉइस्चराइजर लगाया, जस्ट आफ्टर शार मैंने इसको यूज़ करा है. जस्ट टेक फ्यू ड्रॉप्स, इसको अपने पूरे बॉडी पे मसाज करो. एक तो आप बिल्कुल स्नैक के जैसे स्मेल करोगे, और दूसरी चीज़ ये कि ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है. एंड आई एम श्योर इसका और इसका कॉम्बिनेशन तो एकदम धमाल मचा देगा. मैंने बड़े दोनों को साथ में यूज़ नहीं करा है, मैंने इंडिविजुअली यूज़ करा है. एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस. ये भी मैंने खुद के पैसों से खरीदा और मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ ऑलरेडी, एंड आई कैन वाउच फॉर इट. द समथिंग आई हाईली 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 रिकमेंड द स्क्रब, द वैनिला वाइप स्क्रब एंड द बॉडी ऑयल. आई जस्ट लव देम एंड आई कैन सी कि ये मेरे गो टू प्रोडक्ट्स होने वाले हैं हर वक्त हर टाइम के लिए. खुद नहीं सो खरीद ये प्रोडक्ट मैंने खुद नहीं खरीदा है, ये मुझे गिफ्ट में आया था. बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सुना है. दिस कम्स इन दिस प्लास्टिक पैकेजिंग, बड़ा ईजी टू ट्रैवल है. ओ माई गॉड, ओ दिस इज रिफ्रेशिंग, वेरी बीची एंड वेरी ट्रॉपिकल एंड आई लव इट. ओ दिस रिटेल्स फॉर 525 ओनली. ओ माई गॉड, आई एम डेफिनेटली टेकिंग दिस ऑन माई नेक्स्ट ट्रैवल. आई एम नॉट श्योर अबाउट ये कितना स्टे करेगा क्योंकि एक बॉडी मिस्ट है, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग विद दिस ऑन माई नेक्स्ट ट्रैवल. एंड इट इज़ अ नाइस फ्रेग्रेंस, आई थिंक यू कैन ट्राई दिस आउट. जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट वॉज गिफ्टेड एंड दैट इज द प्लम लिपस्टिक. प्लम ने मेकअप प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर दिए हैं जो कि अगेन वीगन है. ये क्यूट सी बॉटल है जिसके ऊपर हार्ट बने हैं. एंड दिस इज द शेड आई एम करंटली वेयरिंग, सो आई कैन एक्चुअली रिव्यू इट. इस शेड का नाम है वाइन टू गो, दिस इज देयर लिक्विड लिपस्टिक. एंड मैं आपको दिखा देती हूँ इसका वॉन्ड कैसा है. दिस इज हाउ द वॉन्ड लुक्स. ये काफ़ी थिन है एंड द शेड लुक्स लाइक दिस. एंड मैं अपना बहुत ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी, क्योंकि अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पेज देखते हो वहाँ पे ऑलरेडी मैं लिपस्टिक चैलेंज कर रही हूँ, जिसमें मैं 30 डेज 30 लिप शेड स्वॉच करूंगी ऑन माई बेयर स्किन. राइट नाउ आई हैव मेकअप ऑन, बट आई एम श्योर मैं इसका बेयर स्किन स्वॉच भी करूंगी इंस्टाग्राम पे. मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट ये एग्जैक्टली स्मैश बॉक्स के लिपस्टिक जैसा फील हो रहा है ऑन माई लिप्स. इट इज़ वेरी वेरी लाइट वेट. मैंने इसका सिर्फ एक कोट करा है, ये बहुत डार्क कलर था तो मैंने सिर्फ इसका एक कोट करा एंड दिस इज़ द कलर आई गॉट. इट इज़ ब्यूटिफुल. मेरे लिप्स बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं कर रहे हैं, बहुत हाइड्रेटिंग है. फील्स लाइक मैंने कोई क्रीमी मैट लगा रखा है. द टेक्स्चर इज़ ब्यूटिफुल, द वेट इज़ फीलिंग ऑन माई लिप्स इज़ ब्यूटिफुल एंड आई जस्ट लव दिस वाइन शेड. आई एम जस्ट लविंग दिस. द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई गॉट वॉज, मैंने बहुत सारा शॉपिंग करा था तो आई गॉट दिस हवाइन रूम्बा बॉडी वॉश. एकदम बहुत कमाल का इसका फ्रेग्रेंस है. आई थिंक आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर माई ट्रेवल्स. जस्ट द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज समथिंग आई एम गोइंग टू रीपर्चेज. ये मुझे आया गिफ्ट में था बट आई हैव यूज इट टॉयस एंड आई हैव लव द रिजल्ट.
दिस इज द प्लम हेयर ऑयल, दिस इज द अनियन एंड ब्रिंगराज हेयर ग्रोथ ऑयल, प्रमोट्स ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन्स हेयर फाइबर विथ करी लीफ एंड आमला ऑयल्स, नो सल्फेट्स एंड नो पैराबेंस. मैं ना हेयर ऑयल्स यूज नहीं ज़्यादा अलग अलग तरीके के करती हूँ, और मैं काफ़ी स्केप्टिकल थी इसके बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट मैंने इसका टेक्सचर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करा है. ये एक काफ़ी बहुत ही, मतलब मैं ऐसे नहीं कहूँगी, बहुत लाइट वेट था, हल्का सा ऑन अ थिकर साइड, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा कुछ है. बेस डेफिनेटली इसका भी कोकोनट ऑयल ही है, बट एट द सेम टाइम ये काफ़ी लाइट वेट था. और जब मैंने इसे अप्लाई करके अपने बाल वॉश करे, गॉट फर्स्ट वॉश ही, मतलब मैं बहुत जल्दी किसी भी हेयर प्रोडक्ट से इम्प्रेस नहीं होती हूँ, क्योंकि आई गॉट कर्ली वेवी फ्रिजी हेयर. बट जब मैंने इसके बाद बाल धोए ना, मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मेरे बालों में फ्रिज काफ़ी कम था. एंड एक्चुअली मेरे नहाने के बाद बाल थोड़े रिलेटिवली कम गिरे. बट अगेन मैंने अभी दो ही बार यूज़ करा है, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि इसने मेरा हेयर फॉल रोक दिया. मुझे एटलीस्ट इसके एक से दो बॉटल यूज़ करने होंगे टू नो द रिजल्ट्स. बट जो मैंने दो बार इसको यूज़ करा है, उसमें आई हैव लव द प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मैंने खुद के पैसों से लिया है, एंड दैट इज़ देयर ग्रीन टी मिस्ट. मैंने पहले भी इसके बारे में बात कराई कि मैंने प्लम का ग्रीन टी रेंज मुझे पसंद है काफ़ी लॉन्ग बैक, जब इन्होंने ये रेंज निकाला था तब से. और मैंने इसका ये फुल साइज ग्रीन टी मिस्ट का बॉटल ऑर्डर करा है अपने लिए, अपने पैसों से. दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन एंड सेंसिटिव स्किन. बट इनका पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद आया. ये जो पंप है, दिस इज़ वेरी स्टर्डी एंड यू कैन एक्चुअली जस्ट स्प्रिट्स इट और अपने बैग में इसके साथ ट्रैवल कर सकते हो. वेरी 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 हैंडी एंड आई लव दिस. मैंने इसको ऑलरेडी यूज़ करा है एंड मेरे को ये पसंद है. आप इसे टोनर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, फेशियल मिस्ट व्हाट्सोएवर. तो आई कैन एक्चुअली वाउच फॉर दिस प्रोडक्ट, आई हैव यूज्ड इट इन पास्ट. और ये मेरा रीपर्चेज है और ये मैंने खुद के पैसों से लिया है. सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड ट्राई दिस प्रोडक्ट. द फाइनल प्रोडक्ट जो मैंने परचेज करा है एंड वो मैंने अपने पैसों से परचेज करा है, इज दिस विटामिन सी मिस्ट. अ मोमेंट टू अप्रिशिएट द पैकेजिंग. आप ना कभी भी किसी भी ब्रांड का कोई भी विटामिन सी का प्रोडक्ट खरीदो, और अगर वो इस कलर की पैकेजिंग में है, तो आप समझ जाना कि दे नो व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि विटामिन सी बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है. और ये कलर का बॉटल सेव्स द इंग्रेडिएंट व्हिच इज इनसाइड. तो एक मिनट मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ. ये प्रोडक्ट मैंने अपने खुद के पैसों से लिया है, बट मैंने पहले कभी भी इसको यूज़ नहीं करा है. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग इट. दिस इज द ग्लो बूस्ट टोनर. दिस कंटेन्स विटामिन सी 1.5% एंड इट इज़ ऑल्सो फ्रेग्रेंस फ्री. अगेन वेरी स्टर्डी. इज नॉट रिकमेंडेड फॉर हाइपर सेंसिटिव स्किन. अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो SPF ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि उसमें विटामिन सी है. And these two products, I actually wanted Akshat to try them. ये मैंने already use करा हुआ है, तो मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि मुझे श्योरिटी थी कि यह प्रोडक्ट अच्छा है. बट ये मैंने हाल फिलहाल में यूज़ करना शुरू करा है. मैंने एक से दो बार यूज़ करा है. सो आई कैन नॉट से मच अबाउट दिस प्रोडक्ट येट टिल द टाइम आई एम डन विद द होल बॉटल. सो या दैट्स अबाउट इट. दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स आई गॉट फ्रॉम प्लम. देर आर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. मैंने आपको ऑनेस्टली बताया इसमें से क्या मुझे गिफ्ट में आया, क्या मैंने यूज़ करा, क्या मुझे अच्छा लगा, क्या मेरा फर्स्ट टाइम परचेज है, एक्सेट्रा. और मुझे ये ब्रांड पर्सनली काफ़ी पसंद आता है. मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आई हैव यूज्ड एंड आई हैव लाइक्ड टिल नाउ. कोई भी प्लम गुडनेस का प्रोडक्ट खरीद रहे हो आप वेबसाइट पे जाके, तो मेक श्योर टू यूज माय कूपन कोड, दैट इज कनिका आर. आई विल ऑल्सो लिंक दैट इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो, सो दैट आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिले ऑन वट एवर यू आर परचेजिंग. आई थिंक दैट इज़ रियली हेल्पफुल, क्योंकि आपका अमाउंट कम हो जाएगा जो आपका टोटल बिल है उसका. या दिस वॉज माई ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट प्लम गुडनेस एंड आई विल बी बैक विद मोर सून. बाय, लव यू.